कहानी के शुरुआत में कुछ यूरोपियंस लुटारों को दिखाया जाता है जो कि कहीं सामान चुराकर भाग रहे होते हैं और कुछ सोल्जर्स उनके पीछे होते हैं। फिर ये लोग अपने दो हॉर्सेस को दूसरी तरफ बेच देते हैं। फिर सोल्जर्स उन दो हॉर्सेस के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद ये लुटेरे किसी गुफा में छुप जाते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग ब्लैक पाउडर का सीक्रेट खोजने के लिए यहाँ आए होते हैं। ये एक ऐसा पाउडर है जो कि हवा को आग में बदल सकता है और ये एक साथ कई लोगों की जान लेता है। इसको पाने के बाद इनका लूटने का काम आसान हो जाएगा। अब ये लोग अपना लूटा हुआ सामान चेक करने लगते हैं। तो वन नेम के लड़के को एक मैग्नेट दिखता है तो उसे लगता है कि मैग्नेट यहाँ किसी काम का नहीं है, इसलिए ये मैग्नेट को फेंक देता है। पर उसका दोस्त विलियम उसे अपने पास रख लेता है। फिर बाद में वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं, तभी यहाँ कोई आकर तोवर और विलियम के तीन साथियों को आकर कोई खा लेता है। लेकिन वो जो भी था वो बहुत तेज था, इसलिए उन्होंने उसको नहीं देख पाते। इससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी विलियम को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है तो वो तलवार से उस पर वॉर करता है, पर इसकी वजह से वो चीज खाई में गिर जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है और किसने उन पर वॉर किया है। तभी विलियम को उसका कटा हुआ हाथ मिल जाता है जो देखने में बिल्कुल इंसान का नहीं था। विलियम उसका कटा हुआ हाथ अपने पास रख लेता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसके ऊपर किसने वॉर किया। सुबह होने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी सोल्जर्स भी वहां पर आ जाता है और फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद विलियम और तोवर चाइना के ग्रेट वॉल के पास पहुंच जाते हैं। वहां सामने उनके बहुत बड़ी आर्मी होती है जो कि दोनों को घेर लेती है। अब विलियम और तोवर अब दोनों तरफ से घेर लिए जाते हैं, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद वो सोल्जर्स उनको पकड़कर जनरल के पास ले जाते हैं। जब जनरल को उनके पास कटा हुआ हाथ मिलता है तब वो जनरल और उसके सभी कमांडर्स हैरान हो जाते हैं। फिर कमांडर्स लाइन उनसे पूछते हैं कि ये हाथ तुम्हें कहां से मिला। उसके बाद विलियम उन्हें बताता है कि जब उस चीज ने हम पर हमला किया था तब मैंने तलवार से उसका हाथ काट दिया था, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। कमांडर लाइन को उन पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो जनरल को कहती है कि इन्हें मौत की सजा दी जाए। तभी जनरल का एडवाइसर जनरल से कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर ग्रीन ब्लड लगा हुआ है, इसलिए हमें सच्चाई पता लगाने तक हमें इन्हें जिंदा रखना चाहिए। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और जनरल को बताता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। ये न्यूज सुनने के बाद सभी कमांडर्स अपने अपने स्टेशन को अलर्ट कर देते हैं और वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर डर नजर आता है। ये देखकर विलियम कहता है कि यहाँ इतनी बड़ी दीवारें और तो और इतनी बड़ी आर्मी भी है, ये सब इतना डर क्यों रहे हैं। तो वो उसे बताता है कि तुमने गुफा में जिस चीज को मारा था वो एक मॉन्स्टर था जिसको तौत के नाम से जाना जाता है और उनकी बहुत बड़ी आर्मी यहाँ अटैक करने आ रही है। विलियम और तोवर को भी वहाँ बंदी बना के लाया गया है। वो इतनी बड़ी आर्मी के साथ भी उस जनरल को घबराया हुआ देखते हैं और हैरान होते हैं। फिर यहाँ के सभी सोल्जर्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उसके कुछ समय बाद मॉन्स्टर्स की बहुत बड़ी आर्मी वहाँ आ जाती है जिनको रखने के लिए सोल्जर्स उन पर कई तरह के वेपन्स और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस बीच कमांडर लाइन के यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ मर जाते हैं। अब मॉन्स्टर की रानी अपने बॉडीगार्ड के साथ आई। फिर जनरल उसको मारने की कोशिश करता है पर उसका बॉडीगार्ड उसको घेर लेता है और उस रानी को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद रानी अपने सभी मॉन्स्टर्स को सिग्नल देती है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक मॉन्स्टर उस पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और फिर सोल्जर्स को भी मारने लगता है। विलियम और पीरो भी वहीं बंधे हुए होते हैं और फिर कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर वहां लगभग सारे सोल्जर्स को मार देता है। ये देखकर विलियम और पीरो बहुत घबरा जाते हैं। यहां एक आदमी छुपकर सब देख रहा होता है और फिर वो आदमी विलियम और तोवर को आजाद कर देता है। इसके बाद वो दोनों उनका मुकाबला करने लगते हैं और पिंग नाम के एक सोल्जर की जान बचा लेते हैं और फिर विलियम उस मॉन्स्टर पर भले से अटैक करता है और फिर वो पावरफुल मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। इसके बाद तोवर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और विलियम उसे एक तीर से मार देता है। तभी वहां एक और मॉन्स्टर आ जाता है और फिर विलियम अपनी अमेजिंग बैटल स्किल से उसे भी मार कर गिरा देता है। इससे जनरल और मॉन्स्टर का दोनों का नुकसान हो जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर की रानी अपनी आर्मी को वापस जाने के मैसेज देती है। इसके बाद वो सारे मॉन्स्टर वापस से चले जाते हैं। विलियम और पीरो की बहादुरी से जनरल इम्प्रेस हो जाता है और उनकी सजा को माफ कर देता है, लेकिन जनरल बहुत परेशान होता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अब मॉन्स्टर्स अब बहुत पावरफुल बन रहे हैं। विलियम और तोवर जब रेस्ट करने जाते हैं तब वो आदमी उनसे बात करने के लिए जाता है जो उनको ग्रेट वॉल पर मिला था। वो भी एक यूरोपियन होता है, उसका नाम बिलार्ड था। वो समझ जाता है कि ये लोग भी ब्लैक पाउडर को खोजने के लिए यहाँ आए हैं और वो उन्हें बताता है कि मैं 25 साल पहले यहाँ ब्लैक पाउडर को खोजने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तब से मैं यहाँ एक टीचर बन के रह रहा हूँ। और वो उन दोनों को कहता है कि ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। अब इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि बिलार्ड को ब्लैक पाउडर मिल गया है और उसे यहाँ से भागने के लिए किसी की मदद चाहिए और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उस आदमी को बाहर जाने में मदद करेंगे और उसके बदले में वो ब्लैक पाउडर लेके भाग जाएंगे। जब ये दोनों फ्रेश होने के बाद डिनर पर जाते हैं तब जनरल उन दोनों की बहादुरी के लिए उन दोनों को तालियों के साथ उनका वेलकम करता है। फिर जनरल विलियम से उसे अपनी स्किल दिखाने के लिए कहता है क्योंकि वो देखना चाहता कि उसने मॉन्स्टर को कैसे मारा था। फिर विलियम उन्हें अपने तीरबंदी चलाने के लिए दिखाता है। उस दौरान वो मॉन्स्टर जनरल को दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग विलियम को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद विलियम लाइन के साथ डिनर करता है और वो उसे
बताता है कि मैं केवल पैसों के लिए लड़ता हूँ। तो लाइन कहती है कि तब तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने की जान बचाने के लिए लड़ती हूँ। फिर रात को विलियम और टोवर ब्लड से मिलते हैं और वो उन्हें ब्लैक पाउडर का डेमो दिखाता है। तभी वो प्लान बनाते हैं कि जब अगली बार वो मॉन्स्टर अटैक करेंगे तब सब सोल्जर्स दीवार पर उनसे लड़ने चले जाएंगे, उसी समय हम ब्लैक पाउडर लेकर हम निकल जाएंगे। दूसरी तरफ जब वॉर्म को विलियम का मैग्नेट मिलता है तब वो विलियम से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम उसकी पाउडर से हम उन्हें हरा देंगे। विलियम पूछता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ कैसे आए। तब वॉर्म उसे बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ एक गौ नाम का पहाड़ हुआ करता था, जहाँ एक कुल का पिंड गिरा था। इसके बाद वो पूरा गाँव हरा हो गया। इसमें से हर 60 साल बाद यहाँ से मॉन्स्टर्स निकलते हैं और अपनी रानी को खाना देने के लिए हर तरफ तबाही मचाते हैं, और फिर उनकी रानी वो खाना खाती है और फिर अंडे देती है। इस तरह ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। तभी इनके टावर पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी वहाँ जनरल और लाइन वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर सामने इनको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। तभी जनरल को बचाने के लिए सभी सोल्जर्स उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो आगे वाले मॉन्स्टर को रोकते हैं। तभी पीछे छुपा वो मॉन्स्टर लाइन को अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए उसके मुंह में जनरल तलवार घुसा देता है, पर उस दौरान वो मॉन्स्टर जनरल को भी बहुत जख्मी कर देता है। अब जनरल की हालत क्रिटिकल हो जाती है। तभी वो सबके सामने लाइन को नया जनरल बना देता है और खुद मर जाता है। अगले दिन उसे राजा एक आदमी से जनरल लाइन को पुराना दस्तावेज मिलता है, जिसमें कि मॉन्स्टर के सख्त लड़े सारे बैटल का रिपोर्ट होता है। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि जब मॉन्स्टर ने जब हेंसा गेट पर चढ़ाई की थी तब वो मॉन्स्टर सारे सोल्जर्स को मारते हुए गेट की तरफ बढ़ते रहे। फिर गेट के पास पहुंचते ही वो मॉन्स्टर शांत हो गए। फिर इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि उस गेट से पत्थर मिला, तो उन्हें लगता है कि ये पत्थर वही पत्थर है जैसा जो कि विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ते समय वो पत्थर उसके पास था, इसलिए उसने आसानी से मॉन्स्टर को हरा दिया। अब ये लोग ये पत्थर को किसी मॉन्स्टर पर टेस्ट करने के लिए सोच रहे थे। तभी विलियम ये प्लान बनाता है कि वो लोग उस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ेंगे। ये देखकर टोवर विलियम पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि विलियम ब्लैक पाउडर लेके भागने के बजाय उनके लिए मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा था। अगले दिन जब ये मॉन्स्टर को पकड़ने जा रहे थे तब रास्ते में कोहरा छाने की वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी विलियम उसके दोस्त की बात से दुखी होता है, क्योंकि वो भागने के बजाय उनकी हेल्प कर रहा था। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि ऐसे इतनी रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिली थी। तभी बेलर्ड और टोवर वहां से भागने का प्लान बना चुके थे। जब काफी देर बाद विलियम वहां नहीं आता तो बेलर्ड टोवर को वहीं छोड़ के भागने के लिए कहता है, लेकिन टोवर उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब जैसे ही मॉन्स्टर दीवार पे आना चालू करते हैं तभी सब सोल्जर्स अपने भालों से बेहोशी की दवा लगाकर उनकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी बहुत होशियार होते हैं। वो अपने साथियों में से वो भाला निकाल कर फेंक देते हैं। अब विलियम डिसाइड करता है कि वो अब इन लोगों के लिए लड़ेगा और ऐसे मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाएगा जहां कोई मॉन्स्टर नहीं होता, लेकिन वो भाला मॉन्स्टर की बॉडी में से निकलने लगता है। फिर विलियम खुद नीचे चला जाता है। अब वो मॉन्स्टर बेहोश हो चुका था लेकिन भाला उसकी बॉडी से निकल गया था। तभी विलियम उसे जंजीर से बांध देता है। उसके बाद सोल्जर्स से ऊपर खींचने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी टोवर वहां आके उसे बचा लेता है। उसके बाद दोनों वहां पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तभी जनरल लाइन को वहां ब्लैक पाउडर से हमला करवाना पड़ता है। इसके दौरान विलियम जख्मी हो जाता है। जैसे ही विलियम को होश आता है तो लाइन उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से वो मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ सके। इसी के साथ वो विलियम को ब्लैक पाउडर की सीक्रेट रखने के लिए भी कहती है, क्योंकि अगर ये सीक्रेट लोगों को पता चल गया तो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद मॉन्स्टर को मैग्नेट से टेस्ट किया जाता है। जैसे ही वो मैग्नेट उसके पास आता है तो वो शांत हो जाता है। अब लोग ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये इसे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते थे। फिर वो राजा का आदमी आया होता है, जो कि मॉन्स्टर उस मैग्नेट को लेकर अपनी राजधानी लौट जाता है, क्योंकि ये राजा को ये सब दिखाना चाहता था। तभी लाइन को वहाँ दीवार के नीचे कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो लोगों के साथ वहाँ चेक करने जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने बहुत बड़ी सुरंग बना ली है राजधानी में जाने के लिए, और वो सब वहाँ से राजधानी में जाकर तबाही मचाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ टोवर बिलर्ड के साथ पाउडर लेकर भागने के लिए प्लान बनाता है, पर विलियम वो बात जानता है और उन्हें रोकने के लिए जाता है। तभी पैंग भी वहाँ चुपके से आ जाता है। विलियम टोवर को समझाता है कि इस वक्त लोगों को हमारी जरूरत है और हमें हमारी रिस्पेक्ट के लिए उनका साथ लड़ना चाहिए, लेकिन टोवर इसकी बात नहीं मानता। फिर बिलर्ड उसे घायल कर देता है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। तब लाइन को इस बारे में पता चलता है, तब वो विलियम को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि विलियम ने उन्हें भगाने में मदद की है। विलियम उसे बताता है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर लाइन उस पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर पैंग आता है, जिसने विलियम को टोवर के साथ देखा था, जो कि लाइन को बताता है कि विलियम सच बोल रहा है। इसके बाद लाइन उसे थोड़े समय के लिए लॉकअप में बंद कर देती है। इसी के साथ टोवर और बिलर्ड को पकड़ने के लिए अपने कुछ सोल्जर्स भेज देती है। जब टोवर और बिलर्ड जब एक पहाड़ी इलाके से पहुंचते हैं तब बिलर्ड टोवर को रास्ता देखने के लिए भेज देता है और उसे धोखा दे देता है और सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहां से निकल जाता है। अब लाइन अपने आदमियों के साथ एयर बलून में बैठकर राजधानी की तरफ चली जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर वहां पर अटैक करने वाले होते हैं। फिर लाइन विलियम को फ्री कर देती है, पर विलियम लाइन की मदद करना चाहता था, तो वो वॉन से मॉन्स्टर को कैसे
हराना था। वो पूछता है तो वॉन उसे बताता है कि अगर हम मॉन्स्टर की रानी को मार देंगे तभी उसके बाद सब मॉन्स्टर्स फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद विलियम वॉन के साथ मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वहां दूसरी तरफ राजा मैग्नेट को मॉन्स्टर की तरफ हटा देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है। अब रानी अपनी पूरी आर्मी लेकर वहां आ जाती है। तभी बिलर्ड को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और ब्लैक पाउडर का एक गोला आग में फैल जाता है जिसके ब्लास्ट से बिलर्ड और वो गुंडे मर जाते हैं। और फिर इस आवाज को सुनकर तोवर वहां आ जाता है। और जब लाइन अपनी राजधानी पहुंच जाते हैं तभी मॉन्स्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और लाइन पर अटैक करने लगते हैं। फिर लाइन भी उनका मुकाबला करने लगती है। इस बीच उसके सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। तभी विलियम यहां आ जाता है, उसका भाला पकड़कर उसे उस पर खींच लेता है। इसी बीच एक मॉन्स्टर उसे निगलने वाला होता है पर विलियम ब्लैक पाउडर से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद ये लोग राज के महल पर लड़ने वाले होते हैं और वो वहां लैंड करते हैं और पकड़े हुए मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। ये लोग उसकी हेल्प से रानी को मारने वाले थे। वही लाइन के सोल्जर्स तोवर को पकड़ लेते हैं। अब लाइन भी पकड़े हुए मॉन्स्टर पर ब्लैक पाउडर का गोला लगा देती है। उसके बाद ये मीट लेकर इससे बाहर चले जाते हैं। इसी बीच मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। अब बैंग नाम का सोल्जर घायल हो जाता है। वो उसे वहीं छोड़कर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर आकर उनके पीछे पड़ जाता है। फिर बैंग अपना बलिदान दे देता है और अपने पास वाले ब्लैक पाउडर को ब्लास्ट कर देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और वो गेट खोलकर उसे वहां से निकाल देते हैं और वो मीट लेकर वहां से निकल जाता है और अपनी रानी के पास चला जाता है और अपनी रानी को जाकर दे देता है क्योंकि वो शिकार पर नहीं जाती थी। अब वो मैग्नेट लेकर दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाए और लाइन विलियम के साथ टावर पर चली जाती है। जिन्होंने जिस मॉन्स्टर को छोड़ा था वो रानी के बहुत करीब होता है। विलियम उस पर लगाए गए ब्लैक पाउडर पर निशान लगाती है पर रानी के बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। रानी अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए सिग्नल देती है। तभी वॉन्ग लाइन को मैग्नेट दे देता है क्योंकि मॉन्स्टर्स चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। विलियम एक और बार निशाना लगाने लगता है। इस बार भी रानी के बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। इसके बाद विलियम के पास सिर्फ लाइन का भाला बच जाता है, इसलिए ये लोग रानी के करीब जाकर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों वहां से खुद जाते हैं और विलियम लाइन से ब्लैक पाउडर पर निशान लगाने के लिए बोलता है और खुद मैग्नेट को उसके पास फेंक देता है। इससे वहां थोड़ा गैप बन जाता है और लाइन का भाला जाके वहां पर लग जाता है। इसके बाद वो ब्लैक पाउडर ब्लास्ट हो जाता है और मॉन्स्टर की रानी की मौत हो जाती है। रानी के मरने के बाद ही उसकी मॉन्स्टर की आर्मी मर जाती है क्योंकि ये सब रानी के सिग्नल पर ही काम करते थे। ये देखकर लाइन और विलियम बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रॉब्लम का परमानेंट सलूशन मिल गया है, इसलिए फ्यूचर में इन्हें मॉन्स्टर के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा। वहां का राजा विलियम से इम्प्रेस होकर उसे यहां से फ्री कर देता है और विलियम और अपने फ्रेंड में से किसी एक को ले जाने का ऑप्शन देता है। इसके बाद विलियम अपने फ्रेंड को आजाद करवाता है और लाइन को अलविदा बोलकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।